तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल यानी रेती के बारे में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे फाइल कितने प्रकार की होती है, फाइल के क्या-क्या भाग होते हैं। तो ध्यान रखें, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ ए फाइल टूल आर, तो दोस्तों जो फाइल है, रेती है, उसके क्या-क्या भाग रहते हैं, ध्यान रखें। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट रहेगा टिप और पॉइंट, ध्यान रखें। फेस और साइड, एज, हिल, शोल्डर, टैंग, हैंडल, फेरुल, मटेरियल्स। तो दोस्तों, अब देखते हैं स्केच के माध्यम से कि ये भाग कहाँ कहाँ होते हैं, इसकी पहचान कैसे करें एक रेती में, फाइल में। तो ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों, फेरुल आपको भाग दिख रहा है, फाइल दिख रही है, तो ऐसी दिखती है फाइल, आप सभी ने देखी भी होगी। तो पार्ट्स नहीं जानते होंगे तो आप आज इसके भाग सीखिए, कैसे भाग होते हैं, क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं टूल से भी, ध्यान रखना। तो हैंडल, फेरुल, शोल्डर, टैंग, हिल, एज, साइड, टिप और पॉइंट, फाइल लेंथ। तो दोस्तों देख लो, फाइल लेंथ कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, इसका भी ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, इन पार्ट्स को सभी को गौर से देख लें, हो सके तो इसका स्केच अपनी कॉपी में तैयार कर लें। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइल के बारे में, टाइप्स ऑफ कट्स इन फाइल टूल। कट के अनुसार जो फाइल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों चार प्रकार की होती हैं। सिंगल कट फाइल टूल, डबल कट फाइल टूल, रास्प कट फाइल टूल, कर्व्ड कट फाइल टूल, इसका ध्यान रखें। अब देखते हैं इनकी पहचान करते हैं कि सिंगल कट कैसी दिखती है, डबल कट कैसी दिखती है, रास्प कट कैसी दिखती है और कर्व कट फाइल कैसी दिखती है। तो दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी दिखती है सिंगल कट फाइल, ध्यान रखें, जिसमें सिंगल कट लगा होता है और इसका जो कोण रहता है वो 60 डिग्री होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखें, समझने की कोशिश करें। ऐसी दिखती है सिंगल कट फाइल, आपको कट के अनुसार फाइल को पहचानना है। अब नेक्स्ट देखते हैं डबल कट फाइल। तो दोस्तों, डबल कट फाइल कैसी दिखती है, तो दोस्तों इसमें जो कट दिए होते हैं क्रॉस में होते हैं, और ध्यान रखें इसमें जो कोण होता है 70 डिग्री और 51 डिग्री होता है, आपको ये समझना है, ध्यान से देख लें, हो सकता है आपको स्केच आए इस फाइल का क्वेश्चन पेपर में और पूछा जाए कि 50 डिग्री कौन किस तरफ का होगा या 70 डिग्री किस तरफ का होगा, आपको पहचानना है, पहचान करनी है। और या हो सकता है पूछे जाए कट के अनुसार ये फाइल किस प्रकार की है, तो ये रहेगी डबल कट, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, तीसरी फाइल है रास्प कट फाइल। तो कुछ ऐसी दिखती है रास्प कट फाइल, ध्यान रखें, इसको समझ लें, देख लें कैसी दिखती है रास्प कट फाइल। नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कर्व फाइल, जो कर्व्ड कट होते हैं, मतलब कर्व में जो कट दिए होते हैं वो फाइल कुछ ऐसी दिखती है। तो दोस्तों पहचान कर लें, पहचान ज़रूरी है। मैक्सिमम जो सिंगल कट और डबल कट फाइल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इसका एंगल हो गया या कैसी दिखती है, स्केच के रूप में बना हो सकता है, फाइल के पार्ट शो करने को आ सकते हैं। तो दोस्तों फाइल से क्वेश्चन एक जरूर आता है, इसका ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइल यानी ग्रेड के अनुसार जो फाइलें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, क्वेश्चन एक पूछा जाता है, चाहे ग्रेड से आए, चाहे स्केच से आए, चाहे पार्ट से आए, चाहे मटेरियल से आए, क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं, फर्स्ट फाइल है रफ फाइल, वास्टेड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल और रफ फाइल। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये 6 फाइल, और इसका हमेशा एक स्केच जो है क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, और आपको आइडेंटिफिकेशन की पहचान करनी होती है कि ये किस प्रकार का, किस प्रकार की ग्रेड की फाइल है और किस प्रकार की फाइल है।
ध्यान रखना है। अब देखते हैं, पहचान करते हैं रफ़ फाइल कैसी होती है, वास्टेड कैसी होती है, सेकंड कट कैसी होती है, स्मूथ कैसी होती है, डेड स्मूथ फाइल कैसी होती है, रफ़ फाइल कैसी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ध्यान से देखें। तो दोस्तों ये है रफ़ फाइल। तो रफ़ फाइल जो है ग्रेड के अनुसार ऐसी दिखती है, हमें पहचान करनी है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा है, आपको स्केच दिखेगा वहाँ पर और आपको पहचान करनी होती है। तो दोस्तों ध्यान से देख ले, जितनी संख्या इन पॉइंटों या चिप्स जो है इनकी कम होगी वो रफ़ फाइल में आएगा, और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी फाइलों का जो ग्रेड है वो चेंज होता चलता है, इसका ध्यान रखें। अब नेक्स्ट फाइल में आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये है वास्टेड फाइल, इसमें जो चिप्स हैं उनकी संख्या जो है बढ़ गई है, जो पॉइंट दिए हैं कट दिए हैं, तो इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों ऐसे आपको इसकी पहचान करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब है दोस्तों सेकंड कट फाइल। तो सेकंड कट फाइल में जो वास्टेड फाइल से ज़्यादा कट दिख रहे हैं उनको कट से ही आप समझ लें, कोशिश करें पहचानने की कि कैसी सेकंड कट होती है, ध्यान रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्मूथ फाइल की। तो स्मूथ ग्रेड फाइल जो है वो इस प्रकार की दिखती है, समझ लें। ऐसा अगर स्केच आएगा तो आपने दिखाना है कि ये स्मूथ फाइल है, जितनी संख्या बढ़ेगी अब ये स्मूथ फाइल कहलाएगी, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं डेड स्मूथ फाइल। तो दोस्तों इसमें जो और भी अधिक यानी जो कट है वो और भी अधिक हो गए हैं, इसका ध्यान रखें, तो इसलिए इसे कहते हैं डेड स्मूथ फाइल। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइल की, फाइल के प्रकार की, कितने प्रकार की फाइल्स यूज़ होती है और होती हैं। फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्राइंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल। तो दोस्तों ध्यान रखें, समझ लें, इतने प्रकार की जो फाइलें हैं आपको याद रखनी है, हो सके तो नोट कर लें, समझ लें। अब जानते हैं कि कैसी दिखती हैं ये फाइलें, फ्लैट फाइल कैसी दिखती है, हैंड फाइल कैसी दिखती है, स्क्वायर फाइल कैसी दिखती है, राउंड फाइल कैसी दिखती है, हाफ राउंड फाइल कैसी दिखती है, ट्रायंगुलर फाइल कैसी दिखती है, नाइफ एज फाइल कैसी दिखती है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो अब देखते हैं फ्लैट फाइल। तो दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है फ्लैट फाइल, समझने की कोशिश करें, जो इसका एज है यानी जो टिप और पॉइंट है वहाँ से इसकी आप पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइल की, कोशिश करें दोस्तों समझने की। अब दोस्तों ये है हैंड फाइल। तो हैंड फाइल में जो इसका एज है कुछ फ्लैट सा दिख रहा है, तो इसका भी ध्यान रखें, हैंड फाइल की पहचान कर लें। और भी पहचान होती है बट इसमें हम शो नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फाइल देखते हैं स्क्वायर फाइल। तो दोस्तों स्क्वायर फाइल कुछ ऐसी दिखती है, हम लोग एक स्क्वायर के रूप में होती है, जो इसका सिंबल दिख रहा है आप सिंबल से इसकी पहचान कर सकते हैं कि इस किस फाइल का सिंबल है। तो ये है स्क्वायर फाइल का सिंबल जो वर्गाकार दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं राउंड फाइल की। तो दोस्तों राउंड फाइल का जो सिंबल है वो आपको दिख रहा है वो राउंड ही रहेगा, और किसी गोल राउंड में ये फाइलिंग करने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ध्यान रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही आप और फाइलों को भी समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं, कैसी दिखती है नेक्स्ट फाइल। अब बात करते हैं दोस्तों हाफ राउंड फाइल की। तो दोस्तों हाफ राउंड फाइल का जो सिंबल है आपको दिख रहा है आधा राउंड, जिसको मतलब आधा गोला जो है अर्धवृत्ताकार। दोस्तों हाफ राउंड फाइल कुछ ऐसी दिखती है, इसका भी ध्यान रखें, इसके सिंबल से आप किसकी पहचान करने आनी चाहिए, क्वेश्चन में सिंबल पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार की फाइल, ये जो सिंबल है किस प्रकार की फाइल को शो करता है, दिखाता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, अब है दोस्तों नाइफ एज फाइल। तो दोस्तों नाइफ एज फाइल का जो सिंबल है उससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, नाइफ एज चाकू की शेप जैसी ये फाइल दिखती है,
तो इसका ध्यान रखें नाइफ एज, तभी इसको नाइफ एज बोला गया है। समझने की कोशिश करें और स्केच जरूर देखें और सिंबल से इसकी पहचान करना सीखें। हो सके तो इसका स्केच बनाएं, सिंबल बनाएं। सिंबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंबल से ही आप फाइल की पहचान कर सकते हैं, तो ध्यान रखें। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर फाइल की, त्रिभुजाकार जिसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा सिंबल दिखता है इस फाइल का, समझने की कोशिश करें, ध्यान दें, हो सके तो इसको नोट करें, बना लें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और समझने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Now, bye friends, subscribe for more video and keep connected. Bye.